यस। सो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे, विच इज़ दिस। 8p³ - 4p² डिवाइडेड बाय 2p². सो ये भी है डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। बाइनोमियल को हमें डिवाइड करना है बाय 2p² सो लेट स्टार्ट। ओके सो हमने यहाँ पे डिविडेंड एंड डिवाइजर को लिख दिया। ओके सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कोएफिशिएंट को, विच इज़ अब 2 के टेबल में 8 सभी को पता है, 2 4 ज़ा इज़ 8, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब पी स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको पी क्यूब मिलेगा, दैट इज़ सिंपली पी। तो पी स्क्वायर इंटू पी इज़ पी क्यूब, एंड जैसे आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी एंड ये आपका टर्म कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब हमें ये टर्म नीचे लेना है, ये टर्म मीन्स विद साइन, जो होगी हमारी -4p² ओके। अब नेक्स्ट, अब ये साइन हमें एज इट इज ऊपर लेनी होगी बिकॉज हमें सेम साइन यहाँ पे नीचे भी चाहिए ताकि वो नीचे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ऑटोमेटिकली बेसिकली यहाँ पे हम माइनस करते हैं ना, इसलिए वो साइन चेंज हो जाती है। सो अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे है, तो सभी को पता है 2 2 ज़ा 4, सबसे फर्स्ट टेबल जब हम स्टार्ट करते हैं टेबल लर्न करना 2 2 ज़ा 4 ओके। एंड यहाँ पे आप अगर साइन देखोगे तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस एंड इसका ये ऑपोजिट साइन चेंज हो जाएगा। एंड पी स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको पी स्क्वायर मिलेगा किसी से नहीं, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बट यहाँ पे आपको पी स्क्वायर मेंशन करना होगा बिकॉज आप ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे। तो 2p² × 2 इज़ 2 2 ज़ा 4p² तो ये भी आपका टर्म कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ 4p - 2 एंड आपका रिमाइंडर हुआ 0। अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 7 की तरफ। इट इज दिस 2y³ + 4y² + 3 / 2y² सो ये बेसिकली है डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। डिवाइडेड बाय 2y² यहाँ पे है 2y³ + 4y² प्लस 3 ओके। सो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 2 मिलेगा, सो दैट इज 1, 2 1 ज़ा 2 एंड वाई स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको y³ मिलेगा, दैट इज़ y। सो ये हो जाएगा 2y³, 2y² × y इज़ 2y³। यहाँ पे आपकी साइन चेंज होके ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका टर्म है +4y² + 3। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब भी वो ये टर्म नीचे लेते हैं
तो जब प्लस होता है तो वो जनरली नहीं लिखते हैं, जिससे बेसिकली ये हैबिट छूट जाती है ये साइन पिकअप करने की। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा वेदर इट इज़ प्लस साइन और माइनस साइन, आप ये साइन नीचे लें ताकि ये आपकी हैबिट बन जाए और जब भी माइनस का कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे वो माइनस साइन ना छूटे। तो ये प्लस साइन एज इट इज़ ऊपर जाएगी। तो अब टू के टेबल में फोर कहाँ पे है, टू टू सा फोर, एंड वाई स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको वाई स्क्वायर मिले वन, तो वहाँ पे आपको वन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपका टर्म कैंसिल होगा एंड आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पे थ्री। तो ये केस में आपका क्वेश्चन होगा वाई प्लस टू, वन वाई मीन्स वाई, अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे वन है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई आपको कोई आपके सबको रॉन्ग नहीं कर सकता। ओके, आपका रिमाइंडर थ्री। तो बढ़ते हैं सम नंबर एट की तरफ। ये भी है आपका डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल, सो 21x^4। बाय 7x³। ये थोड़ा डिफिकल्ट सम होने वाला है तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। अब हमें इसे डिवाइड करना है बाय 7x³ एंड हमारा डिविडेंड है 21x^4 माइनस 14 स्क्वायर प्लस 7x। ओके, सो अगर आप ये डिविडेंड वाले टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x^4 है, x^2 है एंड x है, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है विच इज x³ का टर्म। तो ऐसे केसेस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो टर्म यहाँ पे ऐड करें। आप उसे कोई भी साइन दे सकते हो, प्लस भी दे सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड करूँगा 0x³, बिकॉज किसी भी टर्म को या नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसका अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले वो नहीं लिखा था एंड देन रब करके हमने फिर से लिखा है। ओके, या अब 7 के टेबल में 21 सभी को पता है तरीजा, सो ये हो गया हमारा 21। x³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x^4 मिलेगा, दैट इज x। सो यहाँ पे आ जाएगा x^4, ये साइन चेंज हो जाएगी, ये हमारा टर्म हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा जो टर्म बचेगा, मैं इस जानबूझ के थोड़ा लेफ्ट में लिख रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा राइट में ना चले जाए एंड आउट ऑफ स्क्रीन ना हो जाए। प्लस 7x, ओके, सो बेसिकली ये टर्म 7x² 7 0 0 तो वो भी 0 ही होगा। ओके, सो बेसिकली अब हमें फोकस करना है 14x² पे। तो 7 2 सा, अब ये साइन तो नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ, 7 2 सा 14। एंड यहाँ पे x³ को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको x² मिले, अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया। एंड एक्चुअली ये समय हमें ये टर्म की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, या
हमने इसके पहले हमने जितने भी सम्स किए हमने देखा कि हम एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा एक इंडेक्स वाला नंबर मिले हमें, बट यहाँ पे केस तो उल्टा है। तो बेसिकली हमें करना है, ये मैं बाद में रब कर दूँगा, 7x³ को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें आंसर मिले -14x² बेसिकली। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ बाय 7x³ बिकॉज ये टर्म वहाँ पर जाके डिवाइड होगा, तो 7 1 7 2 सा, तो जो 2 हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। अगर मैं 7x² ये कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पे x² निकल जाएगा एंड ये होगा बचेगा यहाँ पे सिर्फ x, तो ये हो बेसिकली हुआ 2 डिवाइडेड बाय x, ये 2x नहीं, ये है 2 डिवाइडेड बाय x, तो ये हमारा टर्म हुआ 2 डिवाइडेड बाय x। तो ये आप फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आपको बता दूँगा। तो ये हमारा टर्म था 2 डिवाइडेड बाय x, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14x², ये नेगेटिव, एंड यहाँ पे साइन चेंज होके ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड सेम वे में हमें करना है फॉर थर्ड टर्म जो है 7x। तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 है तो देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल की तो सर कोएफिशिएंट की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल पर फोकस करना है। यहाँ पे हमें x³ को किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें आंसर मिले x, तो ये x³ यहाँ पे आ जाएगा जो हो जाएगा डिवाइड, एंड ये x कैंसिल होके यहाँ पे x कैंसिल 3 है तो ये रिड्यूस होके 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय x². तो यहाँ पे साइन तो 7 की प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी, एंड 7 1 7 तो 1 डिवाइडेड बाय x², ओके, ये प्लस एंड ये प्लस, सो ये हो जाएगा 7x, एंड ये साइन चेंज होके ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ, ये थोड़ा अलग सम है इसलिए मैंने पहले ही बोला था, ज़रा ध्यान दीजिए, 3x माइनस 2 बाय x प्लस 1 अपॉन x² एंड रिमाइंडर 0। कहीं कहीं ये पॉसिबल है कि ये सम आपको सिर्फ यहीं तक कराए, सिर्फ यहीं तक कराए एंड आपको बोले कि ये आपका रिमाइंडर है, डिपेंड आपके स्कूल के ऊपर, बट इसका करेक्ट वे करने का ये है, आपको इसे पूरा सॉल्व करना है। ओके, तो ये हुआ हमारा सम नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 9 की तरफ, विच इज़ दिस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। सो अब हम काम करेंगे, मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगा जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे भी लिख रहे थे, यहाँ पे भी लिख रहे थे, मैं डायरेक्टली इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ। हमें हमारा डिवाइजर है 2x² एंड हमारा डिविडेंट है 6x⁵। -4x⁴ देन 8x³ पॉजिटिव देन नेक्स्ट इज 2x² ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। सभी को पता है 2 के टेबल में 6 इज 3 सा 6,
अब एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको एक्स इज टू 5 मिलेगा, दैट इज एक्स क्यूब। सो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज टू 5 एंड यहाँ पे माइनस होके ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो होगा ये विच इज माइनस 4x रेज टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, अब हमें 2 को हम किससे, ये साइन तो एज इट इज यहाँ पे जाएगी, 2 के टेबल में 4 कहाँ पे है, दैट इज 2 जा, तो 2 2 4। एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक्स रेज टू 4 मिलेगा, दैट इज सिंपल विच इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4। ये भी साइन चेंज हो जाएगी प्लस एंड ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड आपका रिमेनिंग टर्म जो बचा वो हुआ ये 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। टू के टेबल में 8 कहाँ पे है, ये हमारा प्लस साइन है, तो 2 4 8 एंड एक्स स्क्वायर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक्स क्यूब मिलेगा, दैट इज एक्स, तो 2 4 8 x³। तो ये हो गया 8x³। यहाँ पे साइन प्लस है, ये माइनस होके कट हो जाएगा पूरा टर्म, ये आपका यहाँ पे मिला 2x² माइनस। अब आपको 2 1 2 एंड x² को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको x² मिलेगा, दैट इज 1, तो ये पूरा टर्म 1 ही रहेगा, 2x² × 1 = 2x². सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x², ये आपका साइन चेंज होके ये आपका टर्म कैंसिल एंड यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 एंड सो बेसिकली आपका क्वेश्चन हुआ ये 3x³ - 2x² प्लस 4x + 1। तो जो प्लस 1 है वो आपको इग्नोर नहीं करना है, वो भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है एंड इट प्लेस अ क्रूशियल रोल। ओके, 4x + 1 एंड ये आपका रिमाइंडर इज 0। ओके, सो ये हमारा था सम नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 10 की तरफ। 2 मिनट होल्ड कीजिए फ्रेंड्स, सिस्टम की बैटरी लो है, आई जस्ट प्लग इन द चार्जर। Yes, we are ready to go for problem number 10. So, which is this one? (25m⁴). (5m³). Yes. So
सो लेट्स स्टार्ट. सो 5 के टेबल में 25 इज 5 सर. सो 25 इंटू 5 इंटू 5 इज 25. एम क्यूब को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको एम रेज टू 4 मिलेगा. दैट टर्म इज एम. सो ये हो जाएगा 25 एम रेज टू 4 एंड ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो अब आपके पास बचा माइनस 15 एम क्यूब प्लस 10 एम प्लस 8. सो ये साइन तो एज इट इज यहीं पे चल जाएगी. 5 के टेबल में 15 इज 3 सा 5 3 सा 15 एंड एम क्यूब को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको एम क्यूब मिले दैट इज 1. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी एंड ये टर्म हमारा हो जाएगा कैंसिल. अब हमारा बैलेंस जो टर्म बचा वो है 10 एम प्लस 8. अब जैसे हमने कुछ पहले सम्स में देखा था 5m क्यूब को 5m क्यूब को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आंसर 10m आना चाहिए. सो उसके लिए हमारा बेसिकली जो टर्म होगा बिकॉज 5m क्यूब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये 5m सा 5m सा होगा एम एंड यहाँ पे ये कैंसिल होकर एम स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज टू अपॉन एम स्क्वायर. तो दैट टर्म इज टू अपॉन एम स्क्वायर. एंड यहाँ पे प्लस है अपॉन एम स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 10 एम. यहाँ पे प्लस साइन है माइनस से कट हो जाएगी एंड ये देन आपका रिमाइंडर बचा 8. आपका ये है क्वेश्चन एंड आपका रिमाइंडर इज 8. ओके दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 10.2. थैंक यू.